बीते 1.5 वर्ष युवती से प्रेम प्रसंग में विवाह करने के बाद भाई दूज पर घर आए युवक की प्रेमिका के घर वालों ने हत्या कर शव जमीन में दफन कर दिया। प्रेमिका को शव होने पर पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने देर रात गड्ढे की खुदाई कराई तो उसमें युवक की लाश बरामद हुई। प्रेमिका के परिजन अभी फरार है। कोतवाली फतेहगढ़ ग्राम के सरह निवासी कन्हैया लाल अवस्थी की 24 वर्षीय पुत्र अंकित नोएडा में कपड़ा सप्लाई का काम करता था। कंपल में बिलाह निवासी युवती नेहा पुत्री धर्मेंद्र से अंकित का प्रेम प्रसंग हुआ। 1.5 वर्ष पूर्व दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह करने के बाद विगत दोनों भाई दूज के त्योहार पर नेहा और अंकित घर आए। नेहा के पिता वर्तमान में शहर कोतवाली क्षेत्र के भगवा नगला में एक मकान खरीद कर परिवार सहित रह रहे। अंकित भी अपनी कथित ससुराल में आया, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। उसे भी उसके परिजन घर से लेकर निकले, लेकिन वह किसी तरह की कादरी गेट चौक पर पहुंची और चौकी इंचार्ज राजेश राय को आप बीती बताई। नेहा ने बताया कि शक है कि उसके पति अंकित की परिजनों ने हत्या कर शव पास में ही जमीन में दफन कर लिया है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विनोद शुक्ला, कादरी गेट चौकी इंचार्ज राजेश राय, पांचाल घाट चौकी इंचार्ज भूलेंद्र चतुर्वेदी ने जमीन की खुदाई कराई, जिसके बाद 3 फीट गहरे गड्ढे में अंकित का शव बरामद हुआ, जिसके बाद मृतक की शिनाख्त उसके पिता कन्हैया लाल अवस्थी व बहनोई मनीष द्विवेदी ने की। उसकी शिनाख्त अंकित के रूप में की गई। पुलिस ने शक के आधार पर मृतक अंकित की प्रेमिका नेहा को हिरासत में ले लिया है। वहीं आरोपी नेहा के परिजन फरार। ये ग्राम सरा फतेहगढ़ के रहने वाले कन्हैया लाल अवस्थी ने एक अभियोग पंजीकृत कराया है थाना फरुखाबाद पर कि उनके लड़के अंकित अवस्थी, जो 25 वर्ष के थे और नोएडा में काम करते थे, उनको उनका हत्या कर दी गई है, उनका शव बरामद हुआ है। इस सूचना पर फरुखाबाद पुलिस ने इनके बताए स्थान पर जाकर उनका शव बरामद किया, जो मिट्टी से छुपाया गया था। इस मामले में इनका आरोप है कि धर्मेंद्र चौहान के घर के पास से शव बरामद हुआ और उन्हीं लोगों ने मिलकर इसकी हत्या की है। प्रकरण में FIR दर्ज कर PM कराया जा रहा है और सत्यता के आधार पर विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाशित होंगे उनके आधार पर कार्रवाई। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट फरुखाबाद।